जाने माने उद्योगपति मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज नवीनतम फॉर्च्यून ग्लोबल 500 सूची में शामिल भारतीय कंपनियों में सबसे आगे 88वें स्थान पर पहुंच गई है। यह उसकी सबसे टॉप की रैंकिंग है। रिलायंस को वर्ष 2022 में सूची में 104वीं रैंक मिली थी, जो इस साल की सूची में 88वां हो गई है। इस तरह देश की सबसे मूल्यवान कंपनी रिलायंस साल भर में 16 स्थान की छलांग लगाने में सफल रही है। वहीं पिछले दो वर्षों में रिलायंस ने फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में कुल 67 स्थानों पर सुधार किया है। वर्ष 2021 की सूची में कंपनी 155वें स्थान पर रही थी। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की सूची में कंपनियों का चयन मार्च में समाप्त वित्त वर्ष के दौरान उनके कुल राजस्व के आधार पर किया जाता है। नवीनतम सूची में रिलायंस समेत कुल 8 भारतीय कंपनियों को जगह दी गई है। इस सूची में दूसरी भारतीय कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन है, जो 48 स्थान से उछलकर 94 स्थान पर आ गई है। भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC इस बार 9 स्थान से खिसकते हुए 107वें रैंक पर आ गई है। सार्वजनिक क्षेत्र की अन्य कंपनियों ONGC, BPL और SBI ने भी इस सूची में अपनी जगह बनाई है। ONGC को सूची में 158वां स्थान, BPL को 233वां स्थान और SBI को 235वां स्थान मिला है। इस सूची में भारत की दो अन्य कंपनियां टाटा मोटर्स और राजेश एक्सपोर्ट्स भी शामिल हैं। टाटा मोटर्स 33 स्थानों से सुधार करते हुए 337वीं रैंक पर आ गई है, जबकि राजेश एक्सपोर्ट्स 84 स्थानों से छलांग लगाते हुए 353वें स्थान पर आ गई है। यह लगातार 20वां साल है जब रिलायंस ने फॉर्च्यून ग्लोबल की सूची में अपनी जगह बनाई है। रिलायंस इंडस्ट्री का इंटीग्रेटेड रिवेन्यू वित्त वर्ष 2022-23 में 23.2% से बढ़कर रिकॉर्ड 9,76,524 करोड़ रुपए रहा।